मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। ये आरक्षण निकाल भी देना चाहते हैं और दिल से जान से खून से कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षण करना चाहते थे। राहुल भैया की पढ़ाई में कहीं तो गड़बड़ हो गई है, ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भौखला गए हैं। सुनो भाइयों, या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं, तो मैं रमजान के तहत हजरत अली साहब के जुलूस में गई, उसका तो किसी ने कोई हमारे हिंदू भाई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं किया ना। अगर जिन जिन गड़बड़ों के वजह से अगर इधर इधर होता है तो हम कोर्ट तक जाकर फिर से हल निकाल के रहेंगे, लेकिन इसी साल हैदराबाद हमारा होकर रहेगा। जाग गया भारत देश, जाग गया भारत देश, अब नहीं चलेगा ये सब यहाँ पर। बस हम कहना चाहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली है कि काशी की नगरी में हैं हम, और बाबा शंकर भगवान काशीनाथ का आशीर्वाद भी है हमारे लिए, क्योंकि जैसे हम आए तब से यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ के लोगों का स्नेह इतना है कि हम ऐसा लग रहा है हम अपने मायके आए हैं, कोई दूसरे जगह ही नहीं। इतना प्यार और इतना जोश, जिस प्रकार से सूरज का गर्मी ऊपर निकलते जा रही है, इतने ही इनके अंदर ऊर्जा प्रधानमंत्री के लिए बढ़ता जा रहा है, ऐसा हम क्या कहें। आप लगातार जो है जनता से मुलाकात कर रही हैं काशी में, पिछले दिनों से आप हैं, अब की बार 400 पार पीएम का स्लोगन, और दूसरी तरफ दो युवा नेता अखिलेश और राहुल खटाखट खटाखट खटाखट। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। इलेक्शन में हमने देखा कई सारे मुद्दे हैं, खासकर आरक्षण एक मुद्दा बहुत ज्यादा हो रहा है। नड्डा जी ने कल भी साफ तौर पर कहा कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण हम नहीं देंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि 50% कैप जो है आरक्षण से हम हटा देंगे। दिल से जान से खून से हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। ये आरक्षण निकाल भी देना चाहते हैं और दिल से जान से खून से कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षण करना चाहते, तो पहले से मैं यही कह रही हूँ भैया, कहीं तो कोई गलती गड़बड़ हो गई है। राहुल भैया की पढ़ाई में कहीं तो गड़बड़ हो गई है। असल भारत देश में हर बच्चा जो भी एक ऐसे स्तर पर आता है जहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर पढ़ा होता तो ये दो मुद्दे एक ही जगह नहीं रह सकते हैं। आप आरक्षण निकाल भी देना चाहते हो और कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण भी करना चाहते हो, तो ये मुद्दा वही कह सकते हैं जो इस देश के नहीं हो सकते हैं। तो राहुल भैया को फिर से मैं कहती हूँ, आप 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा में आ जाइए, फिर पूरा भारत देश में पढ़ाई करिए, कम से कम एक डिग्री तक तो छात्र बनिए, तब आपको क्लैरिटी रहेगा कि इस देश का आरक्षण उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहती है, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को दिलो जान से आप संरक्षण कर रहे हो। तो कहीं ना पढ़ाई में बहुत गलती हो गई है उनसे, बेचारे वो क्या कर पाएंगे, उनका तो माता पिता की जिम्मेदारी होती है ये तो। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 भी आप लोग सीट नहीं ला पाएंगे, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंट है विपक्ष इस बात को। हाँ तो इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ अखिलेश जी को, काफी गर्मी है हम समझ सकते हैं भैया, दिन दहाड़े अगर आप काम कर रहे हो इतना तो नींद आ जाएगी, और जब दिन में आप सो जाते होते इसी प्रकार के सपने आते रहते हैं, लेकिन समझ जाइए दिन के सपने कभी सच नहीं होते हैं, और ये सपने में आप ऐसे रहोगे तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगी खुद के लिए। जाग जाओ, सुबह के दिन के सपना देखना बंद कर दो, 400 पार वैसे ही हो जाएगा लेकिन आप बड़े मायूस हो जाएंगे। पीएम ने मेडिटेशन का डिसाइड किया है, जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच चुका है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना की जा रही है, इस वजह से ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। अरे वाह, तो अभी ये लोग हमारे खाने पर पीने पर भगवान सांस लेने पर भगवान का नाम लेने पर ये कौन से मत बना रहे कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ फंडामेंटल राइट है भाई हमारा, 21A के तहत वी हैव फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन। ये मैं कह रही हूँ ये लोग भौखला गए हैं।
इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी को क्या कर रोके। मोदी जी अपने आप हैं, अगर जिस दिन ये इस्तेमाल करना चाहेंगे उस दिन ये लोग ठहर भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पा रहेंगे। तो सभी का अपना अपना हक बनता है, जैसे कि हम इधर आए हैं शंकर भगवान माता रानी का नमन करे हैं, ये क्या अब हमसे अपना धर्म को भी छीन के उखाड़ के फेंक देंगे? सुनो भाइयों, या प्रधानमंत्री जी का अपना मेडिटेट करने का, ध्यान करने का हक भी निकाल के फेंकना चाहते हैं, अभी इनके हाथ भारत देश पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या हमने तो कभी किसी से नहीं कहा है? क्या मस्जिद मत जाओ, आप दरगाह मत जाओ, हमने तो नहीं कहेंगे, ना कहा है ना कहेंगे। ये इंसान का अपना स्व विषय है, अपना खुद का विषय है, ये इसमें तो किसी का कोई हक नहीं आता इसके ऊपर रोक रखने के लिए। और इस विचार से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री से पहले वो इस देश के नागरिक है, हर नागरिक का हक है ध्यान करना, भगवान के पास जाना। ये तो हद पार कर लिए ये लोग। आपने बात की मस्जिद मत जाओ, दरगाह मत जाओ और तमाम, लेकिन नहीं मत जाओ नहीं कह रही हूँ, मत जाओ आपने रोका नहीं, हमने नहीं रोकेंगे, लेकिन सभी को जाना है, अपना अपना तीर्थ स्थल जाना है, अपना अपना प्रार्थना जगह जाना है, कामनाएं करना चाहिए लोगों के लिए, खुद के लिए अच्छी बात होती है। बिल्कुल यही बात है कि बीजेपी ने किसी को किसी भी धर्म के लिए, किसी अन्याय के लिए कहीं नहीं रोका है, लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि आप लोग जानबूझ के आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, लगातार यही कह आ रहे हैं, सीए के लेकर जिस तरीके से कानून लेकर आए हैं आप लोग मुस्लिम विरोधी है, ये क्लियर आप लोग पर आरोप लगा है। इस इलेक्शन में आप लोगों के पास कुछ नहीं रहा, पीएम के पास कुछ नहीं रहा, धर्म को मुद्दा बनाया गया, कैसे देखें? भैया पहले हम ये की कहेंगे असदुद्दीन से, आप इधर आकर या नेशनल लेवल पर आप जो मुद्दे उठा रहे हो ना, शायद यहाँ के लोगों को नहीं पता, तो हम इनको बता देते हैं कि सबका साथ सबका विकास नारा लगाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। ट्रिपल तलाक हटाकर मुसलमान औरतों का संरक्षण करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हमारे मोदी भाई हैं। यूसीसी के तहत मुसलमान बहन को भी अपना हक महकमे दिलाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हमारे मोदी भाई हैं। विदेशी मुसलमान जो खुद के इस्लाम देशों से निकलकर, वहां से फेंके हुए लोग निकलकर भारत देश में आकर हमारे मुसलमान भाई बहनों का रोटी छीनने वालों का बंद करने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री मोदी भाई हैं। और जो असदुद्दीन ये सारे बात करते रहते हैं ना, मैं कहती हूँ पहले उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी जाइए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाइए, आप खाना खा नहीं पाएंगे। आप वो देखने के बाद 40 साल उनसे राज कर रहे हैं वहां पर, ना कोई मुसलमान कुछ है ना कोई हिंदू कुछ है वहां पर। पहले भैया खुद का जगह साफ करना सीखो। माधवी मैम बहुत कंट्रोवर्सी रहा आपका हैदराबाद का इलेक्शन, आपके नाम पर कभी आपने धनुष उठा लिया तो वो न्यूज बन गई, कभी ये कहा गया कि आपने बुर्का हटा के देखा जब, हालांकि आपने आधार कार्ड के देखा था, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, कैसे देखते हैं इसका मामला? तो मैं रमजान के तहत हजरत अली साहब के जुलूस पे गई, उसका तो किसी ने कोई हमारे हिंदू भाई कंट्रोवर्सी नहीं किया ना, ये है हिंदू, किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं किया है। हम गए थे चार मीनार के बीचों बीच मदीना चौरस्ता में, रमजान के वक्त हजरत अली साहब का जुलूस में हम थे, किसी भी हिंदू ने उसके ऊपर एक भी बात नहीं की, शब्द कही ना किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने कही ना हमारे किसी नेता ने कही। यह है सनातन धर्म, हम सबको अपनाते हैं। ये और वहाँ पे और वहाँ हमको न्योता देने वाले अपने शिया भाई हैं, वहाँ हमको न्योता देने वाले हमारे शिया भाई हैं। तो भैया मैं बताती हूँ, ये असदुद्दीन जो है ना, ये लोगों को डर लगने लग गया क्योंकि उनके नीचे का जमीन खींच लिया जाएगा, क्योंकि मजहब के नाम पे ये देश नहीं चलेगा, ये सबका साथ सबका विकास के नारे पे देश ये चलेगा, इसी से डर जाते हैं ये लोग। तो बार बार ये मुद्दा उठाकर
वो लोग समझते हैं खुद का मुसलमानों का वोट पोलराइज करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज इस देश का मुसलमान जान गया है, भारत देश का हर मुसलमान ये बात जान गया है कि वो भी इस भारत माता का बच्चा है जितना इस हिंदू इस भारत माता का बच्चा है, और इन दोनों का हर प्रकार का संरक्षण करने वाले बड़े भाई हमारे नरेंद्र मोदी जी है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 40 साल का किला ओवैसी जी का भेद पाएंगे हैदराबाद में, क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट है? हम 100% कॉन्फिडेंट है। अगर जिन जिन गड़बड़ों के वजह से अगर इधर इधर होता है तो हम कोर्ट तक जाकर फिर से हल निकाल के रहेंगे, लेकिन इसी साल हैदराबाद हमारा होकर रहेगा। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या कमेंट है? 2024 के सरदार वल्लभ भाई पटेल है हमारे अमित भाई, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर रजाकारों से हैदराबाद का विमुक्त करवा दिए, दक्कन का विमुक्त करवाकर भारत में विलीन कर दिए, और आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो अमित भाई है इसी प्रकार से पीओके को भी विमुक्त करेंगे और भारत देश में विलीन कर हमारे भारत माता का ताज लेकर आएंगे, मुकुट उनका लेके आएंगे। एक अंतिम सवाल, एक सवाल हमेशा विपक्ष की तरफ से होता है कि राम मंदिर को आप लोगों ने इश्यू बनाया, राम को प्रभु श्री राम को पॉलिटिकल गेन के लिए आप लोगों ने यूज किया, एज यू आर ऑल्सो आप एक हिंदू लीडर के रूप में जिस तरीके से आप उभर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हिंदुत्व लीडर बोल रहे हैं आप, तो किसी ना किसी मजहब में तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा ना, तो कौन सा मजहब में लेने के बाद आप बोलोगे मजहब का नाम नहीं लोगे मेरे साथ, बताइए। आज क्या ये भी पाप हो गया हमारे लिए कि हम हिंदू जन्म लिए, बार बार हिंदुत्व 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 बोलते हैं आप, तो अमीर के पास जाके बोलिए आप अमीर है अमीर है अमीर है अमीर है, तो गरीब के पास भी जाके बोलिए आप गरीब है गरीब है गरीब है गरीब है, कम से कम बच्चा जो बेचारा गरीब दलदल में है पूरा भारत देश और विश्व जानेगा। अरे यार ये तो गाली का जैसा हो गया हिंदू बनना, क्या हिंदू 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 हिंदुत्व, आप पूछिए हमसे हमारे नाम से माधवी जी आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हम तो किसी मुसलमान के पास जाके नहीं कहते मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ये क्या मजहब का नाम लेकर इंसान का आप इतना तोहीन कहते हैं ना, आप नीचे गिरा रहे इंसान को। भाई हम आपसे एक ही बात कहते हैं, जिस दिन ये लोग बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाए, जिस दिन ये लोग ज्ञानवापी का मुद्दा उठे, तो ये लोग पॉलिटिक्स नहीं बना रहे थे उस मुद्दे से? कौन तोड़ा है इन मंदिरों को? कोई अपना मुसलमान तो नहीं तोड़ा, इस भारत देश में जन्मा मुसलमान तो नहीं तोड़ा, क्योंकि कभी भी भारत देश में जन्मा मुसलमान नहीं करेगा ये काम। ये क्या उस विदेशियों ने मुगलों ने आप उनका साथ देते हो? क्या है असद का दर्द तकलीफ मुझे समझ में नहीं आता। खुद के मुसलमानों को खुद के कौम के लोग यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है, लोगों लड़के हमें दल दल में है, इनके बारे में सोचना नहीं होता आपको? बार बार आप रोहिंग्यों के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान से टेररिस्ट के बारे में बात करते हो, मुगलों के बारे में बात करते हो। जाग गया भारत देश, जाग गया भारत देश, अब नहीं चलेगा ये सब यहां पर।